हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एंजॉय एंड लव इन अ व्हील में। और आज हम इन अ व्हील का इतिहास के बारे में जानेंगे। ये इन अ व्हील के इतिहास का पहला वीडियो है। चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं इसके बारे में हमारे डिस्ट्रिक्ट की पास्ट एसोसिएशन ट्रेजरर मंजुला श्रीश्रीमल जी। हैप्पी इन अ व्हील। आज का टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इन अ व्हील। इन अ व्हील one of the largest women's volunteer organization in the world. दोस्तों, सन 1924 में ओलिवर गोल्डिंग द्वारा 10 जनवरी को इनर व्हील की स्थापना हुई। हुआ ये कि रोटेरियंस के साथ उनकी स्पाउस मीटिंग में जाती थी तो उनके साथ कंधा मिलाकर काम करते समय उन्हें एक और अलग संस्था बनाने का सोचा और सबकी सहमति से एक पब्लिक प्लेस में मीटिंग किए और इनर व्हील की स्थापना हुई। अंडर द लीडरशिप ऑफ ओलिवर गोल्डिंग एज चेयरमैन एंड मिसेस निक्सन एज सेक्रेटरी 10 जनवरी से इस संस्था की शुरुआत हुई, जिसे हम सब इनर व्हील डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। अब संस्था के उद्देश्य क्या होने चाहिए ये हम जानेंगे। फ्रेंडशिप एंड सर्विस तय हुआ। फिर सदस्यता का प्रश्न आया, वाइव्स ऑफ रोटेरियंस एंड फीमेल रिलेटिव्स को बनाया जाएगा। क्लब रूल्स बनाए गए, फीस तय की गई। उस समय 1924 में एक पैनी से शुरू हुई। दो सप्ताह में मीटिंग होती थी और पूरे साल होती थी। वर्किंग टर्म आज के जैसे ही 1 जुलाई से 30 जून तक तय हुआ। दोस्तों, फ्रेंडशिप एंड सर्विस और अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से क्लब की संख्या बढ़ने लगी। सन 1928 में डिस्ट्रिक्ट नंबर 5 का गठन हुआ। सन 1934 में एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड का गठन हुआ। मिसेस ओलिवर गोल्डिंग एज एसोसिएशन प्रेसिडेंट, मिसेस निक्सन एज एसोसिएशन सेक्रेटरी के नेतृत्व में यह एसोसिएशन की शुरुआत हुई। 6 क्लब एग्जीक्यूटिव के साथ क्लब की गतिविधियां भी शुरू हुई। यही सिस्टम आज भी चल रहा है। सन 1936 में क्लब की पहचान बनाने के लिए सर्टिफिकेट बनाए गए, जिसे हम चार्टर कहते हैं, और उसी दिन को चार्टर डे के नाम से सेलिब्रेट भी करते हैं। थैंक यू।